जाएंगे। जी हाँ, दुल्हन हम ले जाएंगे। अब ऐसा कह रहे हैं निक जोनस। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी कि प्रियंका चोपड़ा और उनके विदेशी बॉयफ्रेंड निक जोनस ने सगाई कर ली है। और अब भाई प्रियंका चोपड़ा एक पल के लिए भी नहीं रह पाती हैं दूर अपने होने वाले पति निक जोनस से। और एक बार फिर से प्रियंका चोपड़ा ने कुछ ऐसा ही कर दिया है जिससे ये साबित हो गया है कि प्रियंका चोपड़ा निक जोनस से बेइंतहा प्यार करती हैं। तो फिर शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और आज मैं आप सभी के लिए एक खास प्रोग्राम लेकर आई हूं जिसका नाम है ट्रेंडिंग बॉलीवुड। जैसे कि आप जानते हैं, इन दिनों प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की सगाई काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रही है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों कपल की चर्चा हो रही है। अरे भाई, हो भी क्यों ना, प्रियंका चोपड़ा ने एकदम से अपने फैंस को चौंका जो दिया निक जोनस से सगाई करके। वैसे आपको बता दें, इन दोनों के अफेयर्स की खबरें तो काफी पहले से आ रही थी, लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने सबका मुंह बंद तब किया जब उन्होंने अचानक से रोका सेरेमनी की और सगाई कर सबको सोशल मीडिया पर चौंका दिया था। वैसे आपको बता दें, प्रियंका चोपड़ा ने बेहद ही क्यूट तस्वीर निक जोनस और अपनी शेयर की थी, जिसके बाद से बॉलीवुड के साथ साथ फैंस भी प्रियंका चोपड़ा को काफी ज्यादा बधाइयां देते हुए नजर आए थे। अब भाई हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अब जब प्रियंका चोपड़ा ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ली है तो प्रियंका चोपड़ा अपनी नई जिंदगी में बेहद ही खुश रहें। लेकिन आपको बता दें, आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में आपको बताने वाले हैं कि प्रियंका चोपड़ा किस तरीके से अपने होने वाले पति निक जोनस से दूर नहीं रह पा रही है और उनको किस तरीके से वो किस भी देती हुई नजर आ रही है। तो फिर देरी किस बात की, चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते हैं नजर आज की हमारी इस खास रिपोर्ट पर और देखते हैं कि आखिरकार प्रियंका चोपड़ा किस तरीके से निक जोनस को किस कर रही हैं और किस तरह से इंतजार कर रही हैं कि भाई निक जोनस उन्हें दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाए। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बॉलीवुड की देसी गर्ल और हॉलीवुड में भी अपना अच्छा खासा नाम कमाने वाली प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में अपने विदेशी बॉयफ्रेंड और सिंगर और एक्टर यानी कि निक जोनस से सगाई कर ली है। आपको बता दें, निक जोनस हॉलीवुड सिंगर और एक्टर है और वहां के वो सबसे मशहूर एक्टर कहलाए जाते हैं। आपको बता दें, हमारी देसी गर्ल निक जोनस के प्यार में गिरफ्त हो गई है और उन्होंने निक जोनस से सगाई तक कर ली। दरअसल अब इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की शादी का। अब फैंस प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, प्रियंका चोपड़ा अपने होने वाले पति निक जोनस के बिना अब शायद एक पल भी नहीं रह पाती है और सगाई के थोड़े दिन बाद ही वो अपने होने वाले पति निक जोनस से यूएस मिलने चली गई। यूएस में मस्ती करते हुए प्रियंका और निक की कई तस्वीरें भी सामने आई थी जिसमें दोनों एक साथ काफी ज्यादा क्यूट भी नजर आ रहे थे। प्रियंका कई बार यूएस जा चुकी है, लेकिन सगाई के बाद ये पहला मौका है जब प्रियंका निक से मिलने सात समुन्दर पार यूएस पहुंच गई। इसी बीच प्रियंका ने इंस्टा स्टोरी पर एक ऐसी तस्वीर पोस्ट की है जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि भाई निक के प्यार में पूरी तरह गिरफ्त हो चुकी है हमारी देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा। जी हाँ, हमेशा ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली प्रियंका चोपड़ा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर निक की एक काफी क्यूट तस्वीर शेयर की। लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि प्रियंका ने निक की तस्वीर पर किस वाला इमोजी बनाया हुआ था। प्रियंका अपनी निजी जिंदगी मीडिया के सामने लाने से हमेशा बचती नजर आई हैं, लेकिन भाई ये पहला मौका है जब प्रियंका चोपड़ा खुलेआम अपने प्यार का इजहार करती हुई सोशल मीडिया पर नजर आई है। आपको बता दें, प्रियंका ने जो तस्वीर शेयर की थी उसमें निक ने व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी और उस टी शर्ट पे लिखा हुआ था नमस्ते, और साथ ही साथ प्रियंका ने उस तस्वीर पर किस वाली इमोजी बनाई हुई थी। अब भाई इससे तो यही साफ जाहिर होता है कि प्रियंका निक जोनस के ऊपर प्यार लुटा रही है और निक जोनस के बिना एक पल भी नहीं रहना चाहती। वही वही कहा जा रहा है कि प्रियंका चोपड़ा और निक इटली में शादी अटेंड करने के लिए जा सकते हैं। खबरों की माने तो प्रियंका का ये ट्रिप पहले से ही प्लान था। कहा जा रहा है कि प्रियंका सितंबर के आखिर तक लौटेंगी और फिर से फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगी।
इन दिनों प्रियंका द स्काई इज पिंक के पहले शेड्यूल की शूटिंग पूरी करने के बाद यूएस गई हैं और निक के साथ काफी ज्यादा एंजॉय भी करती हुई वो नजर आई हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो गई। इसी के साथ आपको बता दें, द स्काई इज पिंक फिल्म में प्रियंका के अलावा फरहान अख्तर लीड रोल में है। सोनाली बोस इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। प्रियंका के यूएस जाने की वजह उनकी खराब सेहत भी बताया जा रहा है। दरअसल अमेरिका जाने से ठीक एक शाम पहले प्रियंका को एक क्लिनिक के बाहर देखा गया था। वहीं कहा जा रहा है कि प्रियंका चोपड़ा की थोड़ी सी तबीयत खराब है और इसी वजह से वो डॉक्टर के पास गई थी। आपको बता दें, तस्वीर जो सामने आई थी उसमें प्रियंका ने सर नीचे झुकाकर कार से निकली और सीधा क्लिनिक के अंदर चली गई। इससे भाई कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रियंका ने अपने नाक और होंठ की सर्जरी करवाई है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो प्रियंका चोपड़ा ही जानती होंगी, लेकिन अगर बात की जाए निक और प्रियंका चोपड़ा की तो आपको बता दें, प्रियंका चोपड़ा निक जोनस के प्यार में बिल्कुल गिरफ्त हो चुकी है। वहीं खबरों की माने तो अपनी नाक होंठ और चिन की सर्जरी करवाने प्रियंका चोपड़ा यूएस गई थी। प्रियंका जिस क्लिनिक में गई थी वो मुंबई का बहुत मशहूर क्लिनिक है। आपको बता दें, प्रियंका चोपड़ा सर्जरी क्यों करवा रही है इसका तो कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन भाई कहा जा रहा है कि प्रियंका चोपड़ा काफी टाइम से परेशान थी और इसी वजह से उन्होंने अपनी सर्जरी करवा ली है। इसी के साथ आपको बता दें, प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग चाहते हैं और कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रियंका और निक हवाई में अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो निक और प्रियंका चोपड़ा ही जानते होंगे, लेकिन भाई अगर बात की जाए निक और प्रियंका के प्यार की तो आपको बता दें, जिस तरीके से प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपने प्यार का इजहार खुलेआम करती हुई नजर आ रही है, उससे तो भाई यही साबित होता है कि हमारे देसी गर्ल अपने विदेशी मुंडे यानी कि अपने होने वाले पति निक जोनस के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुकी है। वहीं अगर बात की जाए निक जोनस की तो आपको बता दें, पहले निक जोनस की काफी सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, लेकिन वो पागल हो चुके हैं अब हमारी देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के प्यार में। और कहा जा रहा है कि निक जोनस प्रियंका के नाम का टैटू भी बनवाना चाहते हैं। इसी के साथ आपको बता दें, निक जोनस प्रियंका चोपड़ा से पूरे 10 साल छोटे हैं। वहीं इसी वजह से इन दोनों को सोशल मीडिया पर ट्रॉल भी किया जा रहा है, लेकिन पूरा बॉलीवुड और पूरा हॉलीवुड इन दोनों के सपोर्ट में है। हर कोई बस यही चाहता है कि ये दोनों अब जल्द से जल्द शादी कर ले। वहीं फैंस भी प्रियंका चोपड़ा को अब जल्द से जल्द दुल्हन बनते हुए देखना चाहते हैं। वहीं अगर बात की जाए सगाई की तो आपको बता दें, प्रियंका चोपड़ा की रोका सेरेमनी उन्हीं के घर पर हुई थी, जहां पर निक जोनस के मम्मी पापा भी मौजूद हुए थे और उनके मम्मी पापा ने काफी इंजॉय भी किया, जिसमें निक की माँ और प्रियंका चोपड़ा की माँ पंजाबी गाने पर थिरकती हुई नजर आई थी और इन दोनों की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। और प्रियंका चोपड़ा ने भी अपनी इस वीडियो पर काफी अच्छा कमेंट किया है, जिसके बाद से प्रियंका चोपड़ा का कमेंट भी काफी ज्यादा वायरल हो गया है। वहीं आपको बता दें, निक की माँ अपनी समधन यानी कि मधु चोपड़ा को काफी टक्कर भी देती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें, दोनों पंजाबी गाने पर डांस कर रहे हैं और जिस तरीके से निक की माँ डांस करती हुई नजर आ रही है वो वाकई काबिले तारीफ है और साफ साफ वो अपनी समधन को टक्कर भी देती हुई नजर आई है। वेल दोस्तों, तो देखा आपने कि किस तरीके से हमारी देसी गर्ल निक जोनस के प्यार में हो चुकी हैं गिरफ्तार और किस तरीके से प्रियंका चोपड़ा निक जोनस की तस्वीरों पर किस वाली स्माइली देती हुई नजर आई हैं। वेल, अब इससे तो यही साबित हो गया है कि प्रियंका चोपड़ा निक जोनस से बेइंतहा प्यार करती हैं, तभी तो शायद उन्होंने इतने टाइम बाद अपना सपनों का राजा, कहते हैं कि सपनों का राजा बहुत कम लोगों को मिलता है और इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी प्रियंका चोपड़ा और अब उन्हें अपने सपनों का राजा मिल चुका है। तो भाई अब वो जल्द से जल्द शादी भी करने वाली हैं निक जोनस से, जैसा कि हमने आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बता ही दिया कि निक जोनस की तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी और टी शर्ट पर लिखा हुआ था नमस्ते, और साथ ही साथ उसी तस्वीर पर प्रियंका चोपड़ा ने किस
दी हुई थी अपने होने वाले पति निक जॉनस को। वैसे आपको बता दे, कहा तो ये भी जा रहा है कि निक जॉनस हो चुके हैं हमारी देसी गर्ल के प्यार में बिल्कुल पागल, और कहा जा रहा है कि वो टैटू भी बनवाने वाले हैं प्रियंका चोपड़ा के नाम का। तो भाई अब देखना ही काफी मजेदार होगा कि क्या निक जॉनस प्रियंका के नाम का टैटू बनवाते हैं या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों फिलहाल तो वक्त हो चला है आप सभी से ही विदा लेने का, पर इस वादे के साथ ले रही हूँ आपसे विदा, जल्द होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बी टाउन की और भी कुछ मजेदार हॉट स्पाइसी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखना ना भूलें Next9 न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।